स्वागत है आप सभी का सच की आवाज न्यूज में। आज का ये वीडियो हमने महाराष्ट्र में अगले 15 दिन के लिए लगे लॉकडाउन की गाइडलाइंस के बारे में बनाया है। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो बिना किसी वैलिड रीजन के आप घर से शिफ्ट नहीं कर सकते। बिना वैलिड रीजन के आप महाराष्ट्र के अंदर भी ट्रैवल नहीं कर सकते। वाइन शॉप्स और सिगरेट शॉप्स यानी कि पान पट्टी बंद रहेंगे। मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग की भी इजाजत नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स स्टोर्स बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन काम कर सकते हैं। कुरियर सर्विसेज भी अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही खुले रहेंगे। कपड़ों की दुकानों को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। प्लम्बर्स, कारपेंटर्स और इलेक्ट्रिशियंस वगैरह को काम की इजाजत है लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के लिए। दांत के दवाखानों पर कोई पाबंदी नहीं है। स्टेशनरी शॉप्स बंद रहेंगे। ट्रैवल एजेंसीज को ऑनलाइन काम करने को कहा गया है। पेट्रोलियम सर्विसेज पर भी कोई पाबंदी नहीं है। मेडिकल और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी खुली रहेंगी। प्राइवेट गाड़ियों में भी बिना जरूरत ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दी गई है। सारी जरूरी सेवाएं सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। ये जानकारी भिवंडी के DCP योगेश चौहान द्वारा दी गई है।